तो देखिए दोस्तों, आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे आ जाइए, और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका डैशबोर्ड है वो इस तरीके से आपके सामने आएगा। अब आपने जितनी भी सर्विसों का लाभ उठाया होगा, चाहे आपने मोबाइल रिचार्ज किया हो, चाहे आपने टिकट बुक की हो, चाहे आपने इंश्योरेंस किया हो, ठीक है, चाहे आपने कोई गवर्नमेंट सर्विस का यूज किया हो, या फिर आपने कुछ भी किया हो इस पोर्टल से, तो उसका पैसा यहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ पे जो नीचे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप उसकी डिटेल्स मिल जाएगी कि इतना पैसा जो है आपका कट चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आप वो देख सकते हो, यहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन डिटेल्स यहाँ पे दी होगी। अब मान लीजिए आपने कोई मोबाइल रिचार्ज किया है और आपका मोबाइल रिचार्ज सक्सेसफुल नहीं हुआ है और जो है आपका पैसा कट गया है, तो कैसे जो है आप वो पैसा वापस मंगा सकते हो इसी पोर्टल में। तो देखिए दोस्तों, आपको अपना पैसा वापस लेने के लिए क्या करना होता है कि यहाँ पे देखिए, आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा सपोर्ट का, आपको इस सपोर्ट पे जाना है। तो आप यहाँ सपोर्ट पे चले जाइए, और सपोर्ट पे यहाँ पे जाने के बाद एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्रिएट टिकट का। तो आपको यहाँ पे क्रिएट टिकट पे एक टिकट बनानी है। तो चलिए हम आपको टिकट बनाना दिखाते हैं, कैसे टिकट बनानी होती है यहाँ पे। तो देखिए, जैसे आप क्रिएट टिकट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाते हैं। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट कैटेगरी, आपको किस कैटेगरी में समस्या आई है, किस चीज से आपके पैसे काट लिए गए हैं, वो आपको यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो मान लीजिए आपने रिचार्ज किया था और आपका पैसा जो है वापस नहीं आया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिचार्ज पे क्लिक करना है, क्योंकि आपका रिचार्ज सक्सेसफुल भी नहीं हुआ है और आपके वॉलेट से पैसा भी कट गया है। तो यहाँ पे रिचार्ज चुन लीजिए, और यहाँ पे आपको लिखना है मोबाइल रिचार्ज रिफंड। यहाँ पे आप मोबाइल रिचार्ज रिफंड लिख दीजिए, या फिर अपने हिसाब से भी आप कुछ लिख सकते हो यहाँ पे सब्जेक्ट में। तो जिस कैटेगरी को आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, उसी के बारे में सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लिख देना है, और नीचे आपको यहाँ पे मैसेज लिखना है। तो अगर आप सेम मोबाइल के बारे में ही लिख रहे हो, तो यहाँ पे आपको हिंदी में भी आप लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो कि जो है मेरे अकाउंट, मैंने जो मोबाइल रिचार्ज किया था उससे मेरा पैसा काट लिया गया है, और जो है मेरा रिचार्ज मोबाइल जो है सक्सेसफुल रिचार्ज नहीं हुआ है, तो मेरा पैसा जो है रिफंड किया जाए। आपको ऐसा इस मैसेज में लिखना है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख के बताते हैं आपको। तो देखिए, इस तरीके से आप यहाँ पे मैसेज लिख सकते हो, और साथ में अगर आपके पास वो रेफरेंस नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है यहाँ पे जो आपको मोबाइल रिचार्ज करते समय जो है मिला था, तो वो भी आपको यहाँ पे नीचे लिख देना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे, तो इसके लगभग 24 से 48 घंटे में आपका पैसा जो है आपके वॉलेट में वापस भेज दिया जाएगा। अगर आपका फिर भी नहीं आता है, लेकिन 90% केस में यहीं से आपका पैसा वापस आ जाता है, लेकिन 10% अगर नहीं आता है, तो आपको CSC को मेल करना होगा। तो आप जो है अपने डिजी मेल में जाके, और मैंने कई बार बताया है आपको हेल्पडेस्क पे मेल कैसे करना है, तो आप उस पर जो है मेल कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपका कोई ज़्यादा अमाउंट कट गया है और वो भी आपका वापस नहीं आ रहा है, तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कॉन्टेक्ट करना होगा, इस संबंध में वो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और वहां से भी आपको अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, आपका कोई ज़्यादा पैसा कट गया है, तो आप सीधे जो है जो स्टेट मैनेजर होते हैं, सीधे उनसे आप बात कर सकते हो। उनके कॉन्टेक्ट नंबर की कई बार मैं जो है लिस्ट दे चुका हूँ, ठीक है, कि आपको कहाँ से निकालना है, तो आप वो मेरे वीडियो देख सकते हैं और उनके नंबर निकाल सकते हो। आप सीधे जो है स्टेट मैनेजर से बात कर सकते हैं कि मुझे ये समस्या आई है और मेरा जो है पैसा वापस नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों, आप अपने वॉलेट में फिर से पैसे वापस ला सकते हो, जो भी आपके अमाउंट से, जो भी आपके वॉलेट से पैसे कट गए होंगे और आपको सर्विस का लाभ नहीं मिला होगा, तो आप पैसे जो है बड़ी आसानी से वापस ले सकते हो। दोस्तों, फिर भी आपको कोई समस्या आती है और कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है, तो इसे शेयर करें, लाइक करें।